हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर की, लेकिन इससे दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के लिए एक संदेश है। किसानों की ऐसी भीड़ ये जिस पर पुलिस वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार कर रही है, ये किसान पंजाब के हैं। इन किसानों ने दिल्ली कूच किया है केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ। ये किसान दिल्ली पहुंचने पर आमादा है और पुलिस ने वापस लौटाने पर। कल और परसों ये किसान दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने का प्लान बनाकर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का यानी पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे वो एक धमक की है जो आज से ही सुनाई देने लगी है। देश की राजधानी की ओर कूच करने वाले हैं पंजाब के किसान। आपने देखा ये किसान केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के खिलाफ कल और परसों दिल्ली को घेरने का मंसूबा बनाकर आ रहे हैं। आखिर क्या है किसानों की तैयारी और क्या है केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी, एक नजर डाल लेते हैं इस पर। चौकस है सुरक्षा बल, इंतजाम है चाक चौबंद। किसानों की धमकी रंग दिखाने वाली है। किसान राशन पानी लेकर चढ़ाई करने वाले हैं दिल्ली पर। केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का इरादा है नवंबर 26-27 को दिल्ली मार्च करके सरकार पर दबाव बनाने का। पंजाब खेती कानूनों के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बिंदु बना हुआ है, इसलिए यहां के गांवों में इस मार्च के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। किसान गांवों में घर घर जाकर किसानों को इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली चलने का आह्वान कर रहे हैं। किसानों ने जरूरी सामान जैसे बैठने के लिए मैट्स, खाना बनाने का सामान, अनाज, आटा, दालें, सब्जियां पहले से ही टेम्पो, जीप और ट्रैक्टर्स में भर लिए हैं। किसान घर घर जाकर अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो लंबे संघर्ष की तैयारी करके जा रहे हैं और जहां भी उनके काफिले को रोका जाएगा वो वहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। केंद्र सरकार के साथ 13 नवंबर को मीटिंग भी हुई पंजाब के किसानों की, लेकिन इस मीटिंग में कुछ नतीजा नहीं निकला, इसलिए 26 नवंबर को देश भर के प्रांतों के किसान दिल्ली में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होंगे और इस प्रदर्शन की तैयारियां पंजाब के हर गांव में चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। पंजाब के किसान परिवारों का हर सदस्य इस संघर्ष में साथ दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य फोकस चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, अम्बाला से दिल्ली, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली, पलवल से दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन अब दिल्ली के घेराव की तैयारी में है। किसान संगठन अम्बाला के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इकट्ठा होने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिसे देखते हुए अब अम्बाला में प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है। पंजाब से कोई भी किसान हरियाणा में दाखिल ना हो सके और हरियाणा की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए अम्बाला में पुलिस और प्रशासन ने बंदोबस्त का जायजा लिया। कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होने देंगे जिससे लैंड ऑर्डर पे फर्क पड़े, और उसी की तैयारियां पूरे जोर शोर से कर ली गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दें, जनता को इनकन्वीनियंस ना हो, इस टाइप से हम सारा कार्य करेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं
रास्ता ब्लॉक होता है तो कम से कम मूवमेंट करें। हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कुछ ऐसे नेतागण जो किसान नेता हैं जो मूवमेंट को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने कुछ नेताओं को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। पुलिस अभी तक हरियाणा के 35, पंजाब के 65, राजस्थान के 45 किसानों को हिरासत में ले चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस चाहे कितने भी किसानों को उठा ले फिर भी लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं, चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और संगरूर बॉर्डर से अर्शदीप कौर हमारे साथ हैं। जगविंदर पटियाल, सरकार से बात भी हो चुकी है किसान नेताओं की, सवाल यह है कि सरकार लगातार कह रही है कि इस कानून में, इस विधेयक में जो भी कुछ होगा वो किसानों के हित में होगा, जो किसान चाहते थे वही होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों को समझा नहीं पाई या किसान समझने को तैयार नहीं? देखिए दोनों ही चीजें हैं, लेकिन किसान एक चीज पर अड़ा हुआ है। पंजाब का किसान ये कह रहा है कि जो कृषि सुधार कानून बना है इसको रद्द किया जाए, और जिस तरह से बिहार चुनाव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश अपने बड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेगा, उसके बाद किसानों को यह लगता है कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा में बड़ी तैयारी की गई थी पंजाब के किसानों को रोकने के लिए, लेकिन आज जो कुछ अंबाला में हुआ उसे देखते हुए हरियाणा के किसानों ने ही सारे इंतजाम को धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़कर रख दिए, और अभी तो पंजाब के किसान पहुंचे नहीं है हरियाणा के बॉर्डर पर, इक्का दुक्का पहुंचने लगे हैं। आज शाम को उन्होंने अपने अपने जिलों से रवाना होना है, और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 20-22 साल के दौरान मैंने इतना बड़ा किसानों का आंदोलन कभी नहीं देखा। गांव-गांव में बच्चा बच्चा, महिलाएं, तमाम लोग हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कल वो सब लोग बॉर्डर पर पहुंचेंगे, अगर उन्हें रोका गया तो वो उसी हाईवे पर बैठ जाएंगे जहां उन्हें रोका जाएगा। तो मैं ये पहले बता दूं कि बेशक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लेकिन कल से हरियाणा के सारे हाईवे जो भी पंजाब को या जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करते हैं वो बंद होने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसान जा रहे हैं, मुझे लगता है 1-2-3 किलोमीटर तक वो अपना पड़ाव डालकर बैठ जाएंगे। तो इस दिक्कत को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ये आंदोलन जितना लंबा होता जाएगा उस आंदोलन से इतनी ज्यादा दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी जगविंदर पटियाल साफ तौर पर बता रहे हैं कि हरियाणा से दिल्ली को, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले सभी हाईवे बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां पर इन किसानों का जमावड़ा होगा। संगरूर बॉर्डर से अर्शदीप कौर हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ किसान भी हैं। अर्शदीप, ये वक्त जो है ये कोविड का समय चल रहा है, इस वक्त कोरोना का समय है, और जिस तरीके से प्रदर्शन की हमने तस्वीरें देखी, कोरोना का खतरा भी इन किसानों के लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है क्योंकि ये बहुत भारी संख्या में, खुद जगविंदर ने बताया कि अब तक इतना बड़ा किसान आंदोलन उन्होंने भी नहीं देखा, ऐसे में बहुत सख्त जरूरत है कि इन किसानों को समझाया जाए। बिल्कुल अनुराग, कोरोना का खतरा किसानों को बिल्कुल नहीं लग रहा। किसान कह रहे कि जो उनकी जमीन को, खेती को, कृषि को जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा है। कोरोना के जो नियम है यहाँ पे फॉलो तो नहीं हो रहे, पर किसान यही कह रहे हैं कि हमें दिल्ली तक जाना है, कृषि कानून को रद्द कराना है। कोरोना कुछ नहीं, ये सरकार की बनाई हुई गेम है, कोरोना का बहाना लगा के सरकार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़े पत्थर लगाए गए हैं ताकि पंजाब के किसान हरियाणा ना आ सके। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू हरियाणा, पर पंजाब का किसान का वेलकम कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। बड़े पत्थर क्रेन के सहारे इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, और उसके आगे बैरिकेटिंग है, डबल बैरिकेटिंग की गई है, और उसके साथ लोहे की चेन्स है। अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ पर रस्सी लगाई गई होती है, पर इस बार लोहे की चेन से लॉक लगाए हैं, और पीछे वो क्रेन भी आप देख सकते हैं जिसके सहारे इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, और वाटर कैनन का भी पूरा जो इंतजाम है हरियाणा सरकार ने किया। और यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि हरियाणा पुलिस जो है बल का इस्तेमाल भी कर सकती है, ये बार बार अनाउंसमेंट हरियाणा पुलिस कर रही है। पंजाब के किसान कह रहे हैं हमें डराने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, और किसान एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ 500 मीटर दूर पंजाब के किसान वहां पर खड़े हैं, अभी किसानों ने यहां पर आगे कदम बढ़ाने शुरू नहीं किए हैं। ये आप देखिए कैसे कंटीली तारे भी लगाई है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि प्रदर्शन में इस तरीके से हरियाणा पुलिस इतने बड़े स्तर पर तैयारी की हुई है। और पंजाब के किसान अभी बिल्कुल उनके माथे पे कोई शिकर नहीं है, और वो
कह रहे हैं कि हम ना हरियाणा सरकार से डरने वाले, ना मोदी सरकार से डरते, हम अपनी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे। हरियाणा के किसान भी यहां पर आए हुए, तो ये बड़े इंतजाम हरियाणा पुलिस ने किए हैं। पैदल भी जाएंगे, इस बार तो जिम्मेदार के खेतों जो लंघ के जाएंगे, बड़े पत्थर भी लंघन गया, आदमी भी लंघन गए, जो भी जनता है एक मूठ आएगी। सरकार कह रही कोरोना है, कोरोना के टाइम में कोरोना नहीं है, सरकार की नीति माड़ी है, कोई कोरोना नहीं है। तो कृषि कानून क्या रद्द करवा के आएंगे? हाँ जी, करवा के आवांगे, उन्हें जो जिन्ना जो हरी जिंदगी होना चाहिए। हर्षदीप, हमने देखा कोरोना के से बेखौफ होकर के कृषि कानून के विरोध में ये किसान दिल्ली कुछ करने को तैयार हैं, जबकि दिल्ली इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जगवेंद्र पटियाल और हर्षदीप कौर का भी। अब किसान आंदोलन पर हमारी नजर रहेगी और किसान आंदोलन से जुड़ा हर पल पल का अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो किसानों के दिल्ली कूच की हम बात कर रहे हैं, हम आपको एक बार ये तस्वीरें जरूर दोबारा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। कोशिश ये है कि ये दिल्ली किसान ना आने पाए, क्योंकि एक तो ये बहुत भारी तादाद में है और दूसरा कोरोना संकट काल में ये खुद भी खतरे में पड़ सकते हैं और दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। इस वक्त डब्बाली से हमारे साथ सचिन कुमार जुड़ रहे हैं। सचिन, वहां क्या स्थिति है, किस तरीके के इंतजाम है कि किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए, हालांकि किसान आमादा है दिल्ली आने पर? जी बिल्कुल, ये बठिंडा से डबवाली ये जो रोड जाता है, ये डबवाली में पंजाब और हरियाणा जो बॉर्डर है ये है। अब यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जो है बॉर्डर जो है सील कर दिया है हरियाणा पुलिस ने, और बड़े बड़े पत्थर जो हैं क्रेन्स के जरिए लाके यहाँ जो है रख दिए गए हैं, और पुलिस जो है हरियाणा पुलिस जो है इन चेक पोस्ट के परली तरफ जो है वो मुस्तैद है, और किसान जो हैं इस तरफ जो हैं पंजाब की तरफ जो हैं वो लगातार जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो किसानों ने यहाँ से अपना जो प्रदर्शन है यहाँ से उठा दिया है, और ये इन्होंने साथ ही एक जो टेंट है वो वहाँ जो है चले गए हैं, पर किसान जो हैं लगातार यहाँ जो हैं धरना दे रहे हैं यहाँ से, और उनका कहना है कि अगर जैसी भी डायरेक्शंस उनके लीडर्स उनको देंगे, अगर वो कहेंगे कि उन्होंने इस बैरिकेड्स को पार करना है तो वो पार करेंगे उसको, अदरवाइज अगर वो कहेंगे कि यहीं पे धरना देना है लगातार तो वो उसी धरने की तैयारी जो है वो करके वो आ रहे हैं, और गाँव में लगातार इसकी तैयारियां जो है वो चली हुई हैं, और हरियाणा पुलिस यहाँ जो है एंटी राइट गियर जो है उसके साथ जो है। सचिन, ऐसे में जो आम राहगीर हैं जो इस हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे हाईवे पर परेशानी हो रही होगी, तो उन्हें निकलने देने के लिए क्या इंतजाम है, या वो भी फंसे हुए हैं? बिल्कुल, ये एक मेन रोड है जो बठिंडा को यहाँ हरियाणा से कनेक्ट करता है डबवाली से, और यहाँ हमने दिन में भी देखा है बहुत सारे लोग जो हैं अपने बैग्स उठा के जो हैं हरियाणा की तरफ से आ रहे थे पंजाब की तरफ, और पंजाब की तरफ से जा रहे थे हरियाणा की तरफ। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है राहगीरों को तो हो ही रही है, पर यहाँ ट्रैफिक जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है हरियाणा की तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है यहाँ। तो किसान आंदोलन को लेकर के ये भी एक साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि आम राहगीर जो हैं, जो इन हाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किसान आंदोलन की भीड़ में फंस गए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हाईवे को सील कर दिया गया है जिससे कि किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर पाए, दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। और ये देखिए उसके लिए क्या कुछ इंतजाम पुलिस ने किए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देख सकते हैं इस वक्त इस वीडियो में, पानी की तेज बौछार मार करके किसानों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान आगे बढ़ने की जिद पाले हुए हैं। किसानों का और उनके नेताओं का ये भी कहना है कि जहां भी उन्हें रोक दिया जाएगा वो वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, और ये सब कुछ हो रहा है कृषि कानून के विरोध में। चलिए इस पर हमारी नजर रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर योगी की रैली की खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कल हैदराबाद में सीएम योगी की रैली होगी हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए, 29 नवंबर को अमित शाह की हैदराबाद में रैली होनी है।